श्रीमद भगवद परिवार सेवा समिति द्वारा पूरे भारत वर्ष में सनातन यात्रा निकाली जा रही है। इसी श्रृंखला में 4 फरवरी को भगवान टॉकीज चौराहे से सनातन यात्रा प्रमुख मार्गों से निकाली जाएगी, जिसका समापन रावली मंदिर पर होगा। इस सनातन यात्रा का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक आचार्य पंडित शिवाकांत महाराज कर रहे हैं। सनातन यात्रा उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में भ्रमण करेगी, जिसका शुभारंभ 25 नवंबर को कानपुर से हो चुका है। इसी क्रम में 4 फरवरी को भव्य सनातन यात्रा आगरा में निकाली जाएगी, जिसमें सभी सनातन प्रेमी सनातन का भगवा झंडा लेकर पैदल, मोटरसाइकिल व 4-पहिए वाहनों से सनातन यात्रा में सम्मिलित होंगे। सनातन यात्रा भगवान टॉकी चौराहे से आरंभ होकर दीवानी चौराहे, शाह मार्केट, संजय प्लेस, हरि पर्वत, सेंट जॉन्स, राजा मंडी, आगरा कॉलेज, सुभाष पार्क, ढाकरान चौराहे से होते हुए कलेक्टर रावली मंदिर पहुंचेगी, जहां पर सनातन यात्रा का समापन होगा। सनातन यात्रा को निकालने का मूल उद्देश्य भारतीय सनातन संस्कृति से है, जो अपने साथी बिछड़ रहे हैं उनको जगाने के उद्देश्य से पूरे भारतवर्ष में निकाली जा रही है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ये सनातन यात्रा पहले निकाली जाएगी, इसके बाद अन्य प्रदेशों में सनातन यात्रा निकाली जाएगी। इस सनातन यात्रा का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित शिवाकांत महाराज कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि मैंने प्रण कर लिया है कि जब तक संपूर्ण भारतवर्ष सनातन में नहीं हो जाएगा, यह यात्रा नहीं रुकेगी, अनवरत ऐसी ही चलती रहेगी। आगरा में यह यात्रा 4 फरवरी को निकलेगी, प्रातः 10 बजे भगवान टॉकीज से शुभारंभ होगा इस यात्रा का। और थोड़ा शांत रहे भाई, रावली मंदिर में इस यात्रा का विश्राम होगा। सैकड़ों वाहन होंगे साथ में, हजारों की तादाद में श्रद्धालु सनातन का झंडा लेकर के चलेंगे। भैया आगरा पूरा सनातन में दिखेगा। उद्देश्य यही है कि पूरे भारतवर्ष को सनातन में बनाना है, इसी प्रकल्पना से सनातन यात्रा निकल रही है। आगरा में इसका क्या रूट रहेगा और कहां तक जाएगी? आगरा में भगवान टॉकीज से इस यात्रा का शुभारंभ होगा। माननीय मंत्री जन होंगे, कई मंत्री होंगे और माननीय सांसद जी, केंद्रीय मंत्री भी लोग होंगे। 4 फरवरी को निकाले जाने वाली सनातन यात्रा की तैयारियां जोर शोरों से चल रही हैं। सनातन यात्रा के दौरान जगह जगह सनातन प्रेमियों द्वारा पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित शिवाकांत महाराज कुछ दिनों पूर्व 27 दिन लंदन में सनातन का प्रचार प्रसार कर भारत का डंका बजाकर संकल्प लेकर लौटे हैं। उनका कहना है कि जब विदेशों में गोरे लोग सनातन संस्कृति को अपनाने को तैयार हैं, तो हम तो भारतीय नागरिक हैं, भारत माँ के सपूत हैं। ऐसे ही सनातन यात्रा निकाल कर हम सनातन में देश बनाएंगे, इसी संकल्प के साथ यात्रा निकाली जा रही है। मून न्यूज़ के लिए राकेश शुक्ला की रिपोर्ट।